नमस्कार, वंदन, प्रणाम, कृपया, ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रही है पवित्र संध्या, गुरुवार की पवित्र संध्या। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, हार्दिक आमंत्रित करता हूँ, ले चलता हूँ सांध्य समय की मेरी पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर, जिसमें आज मैं प्रकट करने जा रहा हूँ जयदेव की दो नृत्य सबर अभिव्यक्ति। चार दिनों से जो मैं रचना ले रहा हूँ संध्या समय के नृत्य पूजा में, आज चौथा दिन है, वो जयदेव अष्टपदी से नृत्य सबर अभिव्यक्ति को प्रकट करने को जा रहा हूँ। आज की दो रचना है इस तरह से कि जयदेव अपने में जो कृष्ण के विरह की पीड़ा है उसको अभिव्यक्त करते हैं राधा के माध्यम से, और इस नृत्य में जो राधा की पीड़ा है नृत्य में ऐसे अभिव्यक्त किया गया है कि जैसे एक नायिका है और राधा है, और नायिका राधा की पीड़ा को देखती है, कि इसी तरह से राधा पीड़ित है कृष्ण के मिलन के लिए। वनमाली नाम दिया गया है कृष्ण को, और नृत्य को इस तरह से प्रकट किया गया है। जैसे कि आज के दो नृत्य है इसमें आप देखोगे तो आकाश तत्व मुख्य है नृत्य की अभिव्यक्ति के लिए, नृत्य की प्रेरणात्मक शक्ति को प्राप्त करने के लिए आकाश को, आकाश का बैकग्राउंड है उसे मुख्य बनाया गया है। और जो कृष्ण है इसमें कहीं दिखाया नहीं गया, नृत्य में कृष्ण को नहीं दिखाया गया, कृष्ण को अनंत दिखाया गया है, समझ लो कि पूरा आकाश है। तो राजा राधा का जो कृष्ण के साथ वार्तालाप है, या नायिका का वार्तालाप है अनंत के साथ, या जयदेव का अभिव्यक्ति है उसका जो प्रेम है या तड़प है कृष्ण को पाने की या परमात्मा के दर्शन की, इस तरह से दर्शाया गया है। राधा का प्रतीक है हर जीव की पीड़ा है, हर जीव की पीड़ा, हर जीव जो खोज रहा है इस पृथ्वी पर वो परमात्मा को खोज रहा है, और हर जीव परमात्मा के दर्शन के लिए तड़प रहा है, उसके साथ एक होने को तड़प रहा है। ये जो तड़प है परमात्मा है वो कहीं दिखाया नहीं गया, कृष्ण को कहीं दिखाया नहीं गया। जो अनंत आकाश है वो परमात्मा है, वो कृष्ण है, इस तरह से इस नृत्य में नृत्य की अभिव्यक्ति है। जो आज का पवित्र श्रृंगार है नृत्य को अभिव्यक्त करने के लिए, वो अर्पण कर रहे हैं अमेरिका से श्री हेमंत वैद तथा श्रीमती अलका वैद। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। दो रचनाओं के राग है, बहुत मधुर राग। प्रथम रचना का राग है मालकोंस, दूसरी रचना का राग है मधुकोंस।